हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, हैप्पी दिवाली। तो इधर मैं आई हूँ फ्लिपकार्ट होलसेल बेस्ट प्राइस। पहले इसका नाम बेस्ट प्राइस था, अब फ्लिपकार्ट होलसेल रख दिया गया है। तो इधर मैं लखनऊ में फ्लिपकार्ट होलसेल बेस्ट प्राइस में आई हूँ, जहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं या फिर शॉप वगैरह स्टोर वगैरह चलाते हैं, दुकान वगैरह करते हैं, वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पे होलसेल मार्केट का सामान मिलता है बेस्ट प्राइस में, बिल्कुल कम दामों में। तो यहाँ पर वही लोग आते हैं। और तो इधर मैं भी आई हूँ घर का सामान लेने, और जिसके पास कार्ड वगैरह होता है उसी को एंट्री मिलती है यहाँ पर, उसी को उसी का सामान का पेमेंट होता है, नहीं तो नहीं अंदर नहीं आने देते हैं। तो मुझे कार्ड मिल गया था एक लोगों से, मेरी फ्रेंड का था तो उन्हीं से लेके आई थी। तो यहाँ कम से कम दामों में हर एक घर का सामान आप ले जा सकते हैं, कम से कम आधे दामों में मिल जाता है। पर वो लोग आते हैं जब वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्टोर खोले हैं, दुकान खोले हैं, या कोई छोटा सा स्मार्ट पॉइंट वगैरह खोलें, तो यहाँ पे होलसेल मार्केट जैसे सामान ले जा सकते हैं। तो इधर मैं अपने घर का सामान लेने आई हूँ, तो आप लोग बने रहिए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं कितने कम प्राइस में क्या चीज़ मिल रही है। चावल 10 किलो चावल सिर्फ 500 रुपए में, बासमती राइस 10 किलो चावल, तो सोचिए कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहाँ बेस्ट प्राइस में मिल रहे थे हर चीज़, मतलब आधे दामों में थी। और ऊपर से त्यौहार है तो और ऑफर चल रहा था। तो इधर बच्चे पंखा देख रहे थे कि ऊपर मम्मी पंखा देखो कितना बड़ा है। मैंने कहा ये इतना बड़ा गोदाम टाइप का है तो यहाँ छोटे पंखों का काम नहीं होगा, यहाँ पर बड़े पंखे ही लगेंगे तभी हवा आएगी। तो त्यौहार की वजह से भीड़ भी काफ़ी हो रखी थी। देखिए कितना स्टॉक डला हुआ है, आटा मैदा बोरी की बोरी ऐसी डली हुई है। यहाँ पे बहुत सारा थोक में माल आता है ना, तो इसलिए बहुत सारा डला रहता है और बहुत ज़्यादा जल्दी बिक्री भी होती है यहाँ पर। तो मैंने भी देखिए कितना सारा सामान घर का खरीद लिया है। और ये लोग बच्चे लोग शोर कर रहे हैं, तो और बच्चों की वजह से ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लोग कुछ उठा लाते हैं सामान, कुछ उठा लाते हैं, तो इन लोगों को भी देखना पड़ता है। तो इधर अब पेमेंट कराऊँगी, पेमेंट की लाइन लगी हुई है। देखिए लोग इस ट्रॉली बैग बहुत सारे ले जा रहे थे, जो लोग दुकान वगैरह किए थे यहाँ ट्रॉली बैग में बहुत ऑफर चल रहा था, तो अपना ट्रॉली बैग ही भरे जा रहे थे। और जो दुकान वगैरह किए वो चॉकलेट और वो गिफ्ट वगैरह जो इस समय चल रहे हैं तो वो भर रहे थे। तो मेरी शॉपिंग हो गई है, मैं निकल आई हूँ। तो इधर कैरी बैग नहीं मिलता है, तो मैंने एक गत्ता डाला था वो उठा लिया, मैंने कहा इसी में भरूँगी आधा सामान। सामान काफ़ी हो गया था, लाई थी अपने घर से भी लाई थी कैरी बैग, तो उसमें पैकिंग कर लूँगी आधी और जो बचेंगे वो उसमें गत्ते में भर लूँगी। तो इधर मैं ये देखिए भर रही हूँ कैरी बैग में, वहाँ पे बस शॉपिंग करो अपना ले जाओ, चाहे जैसे ले जाओ, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे जैसे ले जाओ। तो यहाँ पर ये है, तो ये देखिए इतना सारा सामान ले लिया है, डिग्गी भर गई है, तो मनी बैठी है रखा है, मैंने कहा बस कुछ खाना नहीं निकाल के तो कह रहे हंस रही है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बस चलते हैं गाइस। तो ये लखनऊ में है, काफ़ी अच्छा बना है भाई, लोग शॉपिंग करते हैं अपने दुकान उकान के लिए ले जाते हैं सामान। इनका तो यहीं शुरू हो गया था, ये देखिए चॉकलेट फाड़ के खाने लगे शुरू हो गए, फिर इनका मुँह टिशू पेपर से पोंछा, फिर निकली शाम। तो शॉपिंग करते करते शाम हो गई थी, दिवाली ऑफर ये देखो लगा है महाबचत बैनर्स डेट दिवाली का, तो काफ़ी ऑफर चल रहा था हर चीज़ का। जैसे फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में भी ऑफर मिलता है ना, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर यहाँ तो होलसेल वाला सामान था तो यहाँ पे काफ़ी ऑफर था। तो शॉपिंग वगैरह हो गई है, हम निकलते हैं घर। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, वो भी थक गए थे, हम भी थक गए थे करते करते शॉपिंग, अब जाएंगे घर। और त्यौहार का भी समय है, कुछ घर पे भी बनाएंगे जाके। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना गाइस, और जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। बड़ी मेहनत से ब्लॉग बना पाती हूँ, इसीलिए मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। तीन तीन बच्चों को केयर करना, अपना
घर का काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो ब्लॉग मेरे थोड़े रोज डेली नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए और पूरा ब्लॉग तो ज़रूर देखिए, कट कट करके नहीं देखा करिए। तो फिर घर पे आके ये देखिए, मैंने मटरी बनाई है, बिस्किट बनाए हैं थोड़े। घर पे आके बच्चे कह रहे थे मम्मी कुछ बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा ये पहले मैं निपटा दूँ इसको बना के, फिर आगे कुछ बनाऊँगी। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा बिस्किट इसके बना दो ना, तो वो ही खाते रहते हैं। तो बन गई थी ये भी कंप्लीट पूरी। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।